Hello dear students, let's make an art integrated activity for the sum of n terms of n AP. समांतर श्रेणी के n पदों का योग बेटा आइए आज हम एक एक्टिविटी के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पता है दिस इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, है ना. और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो बेटा आइए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, कलर्ड पेपर, सीजर्स, कलर्ड पेन, फेविकोल, है ना, ये सब आपको पता ही है. तो देखिए आइए सबसे पहले एक आठ टर्म्स की सीरीज एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं. तो आठ टर्म्स कैसे कैसे होंगे बेटा, उसकी फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड ए प्लस डी, आपको पता ही है डी ऐड करते जाएंगे हर टर्म में, सो दिस विल बी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d एंड ए प्लस 7d. अब एक ए मेजरमेंट का एक कटआउट बना लेते हैं और जिसके हम ये लेंथ हाइट हम ए मानेंगे और ब्रेथ 1 यूनिट मानेंगे, ठीक है. और इसी एक कॉमन डिफरेंस रख लेते हैं, कुछ भी सेट कर लेते हैं और उसकी भी हाइट हम क्या मानेंगे, डी, और यहाँ से ब्रेथ उसकी 1 यूनिट रहेगी. आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, इसको 2 रख दीजिए, इसको 1 यूनिट का गैप करते जाइए, है ना, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नाम हमने उसको दिया ए एंड डी. अब देखिए बेटा, अब ये जो हमने कटआउट्स बनाए हैं, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी ए हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो हमने फर्स्ट टर्म बना ली, फर्स्ट टर्म के ऊपर हम सेकंड टर्म को पेस्ट कर देंगे, तो इट विल बिकम अवर सेकंड टर्म, है ना. और इसी की सेकंड टर्म को अगर हम इसके दोबारा ऊपर डी को 2 बार पेस्ट कर देंगे तो हमारी कौन सी टर्म बन जाएगी, थर्ड टर्म. देखिए पहली ए थी, फिर ए प्लस डी सेकेंड टर्म बन गई, फिर ए प्लस 2d आपकी थर्ड टर्म बन गई, एंड सो ऑन, आप d करके ऊपर एड ऑन करते जाएंगे. जो भी d यूनिट आप सेट करेंगे ना बेटा, आपकी हर नई स्टेप d यूनिट ज़्यादा होनी चाहिए a से, ठीक है. तो अब फाइनली देखिए हमारे पास इस तरीके से आपको स्टेप्स काट लेनी है और उन्हें पेपर पे पेस्ट कर लेना है. हर स्टेप आपकी d यूनिट ज़्यादा होगी. अब पहले क्या है हमारी a, सबके नीचे की ब्रेथ 1 यूनिट है और हाइट कितनी है, ये ए है, ये कितनी बन गई, ए प्लस डी, दिस इज ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे अब इनको लिख लेते हैं. ये देखिए हमारी 8 जो हमने स्टेप्स काटी है वो हमने इस तरीके से अरेंज कर लेनी है पेपर पे. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बेटा, ये जो 8 स्टेप्स आपने काटी हैं इसको एक बार तो आप कॉपी पे ऐसे ही शो करेंगे, सेकंड टाइम आपने क्या करना है, इसको ये जो लास्ट टर्म थी इसको मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी, देखिए इस तरीके से, ठीक है. एंड दिस विल गो लाइक दिस, ऐसे ये हम सब सेट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से ये लास्ट टर्म इसके ऊपर आ गई, ए प्लस 7d, नाउ ए प्लस 6d, थर्ड लास्ट इसके ऊपर आ गई और ये इसके ऊपर सेट हो गई. तो देखिए बेटा जो हमारी 8 स्टेप्स थी ना वो हमने लास्ट से पहले वाली पे रख दी, सेकंड लास्ट सेकंड पे रख दी, थर्ड लास्ट थर्ड पे, एंड सो इस तरीके से हमने इसको 4 पार्ट्स में कर लिया. तो अब इधर से इसकी लेंथ कितनी हो गई, देखिए दिस वाज ए एंड दिस इज ए प्लस 7d, तो ये कितना हो गया बेटा टोटल मिला के, ये हो गया 2a प्लस 7d. अब इसे चेक कीजिए, ए प्लस डी ए प्लस 6d, तो ये भी कितना हो गया 2a प्लस 7d, दिस इज आल्सो 2a प्लस 7d, एंड ये भी देखिए 2a प्लस 7d, है ना. तो सबकी लेंथ कितनी हो गई, हाइट कितनी हो गई, 2a प्लस 7d, और यहाँ से इसका कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, जो कि 8 का आधा है ना. तो दैट मीन्स ये अब मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी ब्रेथ 4 यूनिट है और हाइट उसकी
2a plus 7d है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। अब इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये हो गया, इसका मतलब 4 इंटू 2a plus 7d। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई है बेटा। दिस बिकम्स 4 एंड दिस इज 2a plus 7d। तो एरिया कितना हो गया, 4 इंटू 2a plus 7d। नाउ व्हाट इज 4? 4 इज हाफ ऑफ 8, है ना। 8 क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थी। तो दिस कैन बी रिटन एज 8 बाई 2 एंड दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो n बाय 2, दिस टर्म इज n बाय 2 एंड दिस इज 2a प्लस 7 क्या है, 8 में से एक कम, यानी कि n में से एक कम। तो इसका मतलब अब हम अपने फॉर्मूले पे पहुंच गए, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 2, 4 को आपने लिखा 8 बाय 2, दैट मीन्स n बाय 2 एंड दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 d। तो अगर n जो हमारा इवन नंबर है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला वेरीफाई होता है एंड दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज आल्सो वी कैन राइट इट एज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो जो सेकंड फॉर्मूला है वो भी हमारा यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाय टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस ए एन, ये लास्ट टर्म थी ना। अगर 8 हमने टर्म्स ली थी तो 8वीं टर्म थी ये, तो अगर जनरलाइज करें तो दिस विल बी एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन। तो दोनों तरीके के फॉर्मूले हमारे इस एक्टिविटी से यहाँ प्रूव हो जाते हैं बेटा। अब हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो, दैट मीन्स 8 की जगह आपके पास 9 टर्म्स ले लेते हैं, तो हमारे ए पी क्या बनेगी, एक टर्म और ऐड हो जाएगी उसमें, 9 टर्म कैसे लिखोगे, ए प्लस 8डी। अगेन फिर से आपने वही एक कटआउट सेट कर लेना है कि ये ए इंटू 1 है और ये डी इंटू 1, ए बाय 1 का यूनिट का एक स्टेप है एंड दिस इज डी बाय 1। फिर से अपने आप ए पी को अरेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड 9 टर्म भी लेनी है इसमें, हम एक टर्म एक्स्ट्रा लेंगे ना, तो ये हमने एक टर्म एक्स्ट्रा ले ली इसमें, a प्लस 8d, दिस इज 1 यूनिट। अब बेटा आपने इसमें क्या करना है, इसमें देखिए, इससे पहले जब इवन नंबर था हमने इसको लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किया था, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ करना है। इसको हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, इस तरीके से फिर से अरेंज करेंगे, सेम प्रोसीजर। पर देखिए क्या होगा इसमें, जब हम इसको लास्ट टर्म को इसके ऊपर रखा, सेकेंड लास्ट को सेकेंड के ऊपर सेट करेंगे, थर्ड लास्ट को अब थर्ड के ऊपर, फोर्थ लास्ट को फोर्थ के ऊपर, है ना। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, एक टर्म बच जाएगी, है ना, एक जो आपकी स्ट्रिप है वो बच जाएगी। तो अब इसको कैसे अरेंज करें जिससे कि ये एक रेक्टेंगल बन जाए और हम इसका एरिया निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिप है ना आपकी, इसको हम यहाँ से आधा कर देंगे, 1 यूनिट है ना, इसको हम 0.5 कर लेंगे, यानी कि बीच में से आप काट देंगे इसे, और बीच में से काट के आधा इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ से जो आधा बचेगा वो आधा इसके ऊपर सेट कर देंगे, है ना। देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने इसको आधा किया और आधा सेट कर दिया। अब ये लेंथ कितनी थी, a प्लस 4d, तो लेंथ तो a प्लस 4d ये दोबारा ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ से जो इसकी ब्रेथ थी वो कितनी रह गई, आधी हो गई, यानी कि 1/2 हो गई। अब कितनी हो गई इसकी ब्रेथ, 1/2। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया हमारे पास, जिसकी हाइट कितनी है, 2a प्लस 8d, a प्लस a 2a प्लस 8d, दिस इज आल्सो 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d एंड दिस इज आल्सो 2a प्लस 8d। लेकिन यहाँ से जब आप इसको काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4 एंड ए हाफ, यानी कि 4.5 हो गया ये बेटा, ये कितना हो गया 4.5। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 4.5 इंटू 2a प्लस 8d, है ना, 4.5 फ्रॉम हेयर एंड 2a प्लस 8d हेयर। अब फिर से चेक कीजिए, 4.5 क्या है, 9 का आधा, और 9 क्या था,
एन था हमारा इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, एंड दिस इज 2a प्लस 9 माइनस 1d. सो अगेन द फॉर्मूला इज वेरीफाइड. दैट मीन्स वी गॉट अवर फॉर्मूला n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इन बोथ द केसेस, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस ए एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना. यहाँ से हमें इजीली पता चल रहा है दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म, एंड हेंस बेटा फाइनली वी हैव गॉट अवर फॉर्मूलाज वेरीफाइड थ्रू एन एक्टिविटी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी मच क्लियरली एंड विल बी एबल टू परफॉर्म इट. कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ.